मजे में ही रहना भी चाहिए। तो मेरा सारा काम हो गया आज, घर का खाना बन गया है और मलाई से मैंने घी भी बना लिया। और उस मलाई से घी बनाने में आज मेरी बैंड बज गई, वो उसका मक्खन ही नहीं बन रहा था, पता नहीं कैसे क्या हो गया। हमेशा बनता है, मैं ऐसे से घुमाती हूँ, बस 5 मिनट में बन जाता है मक्खन और फटाफट से 10 मिनट में घी भी बन जाता है। और इस बार जो मैंने मलाई निकाली उसमें रात को भी मैंने काफी फेटा तो भी मक्खन नहीं निकला और अभी भी नहीं निकला। फिर वो एज इट इज मुझे उस पर चढ़ानी पड़ी, तो 1 घंटे में जाके घी बना। चलो वो तो अलग चीज़ है। तो मेरा आज का फाइनल काम तो हो गया है। अब तो मैं आज सोच रही थी कि थोड़ा चेहरे पे भी ध्यान दे लेती हूँ, क्या लगाऊं। तो मैंने क्या किया, ये दूध और शहद लेकर आई। अब मैं डालूंगी टैबलेट शीट मास्क लेकर आती हूँ, बताती हूँ। ये रहा, ऐसा होता है ये टैबलेट शीट मास्क, 2 पैकेट है मेरे पास। कभी अलग अलग तरीके से मैं लगाती रहती हूँ उसको, मतलब कभी दूध में, दूध और शहद में, कभी खीरा जो होता है ना कुकम्बर उसके जूस में। ये रहा देखो, हेयर कट ट्राई कर ली मैंने, यहाँ पर भी तो कुछ लगाना पड़ेगा। कितना गंदा कर रखा है मीका ने इसमें ना, क्या किया कर पाउडर लगा रखा है पूरा सब जगह, काजल लगा रखा है। भगवान, मेरा बच्चा ना बहुत बदमाश है, दिन भर उसका यही काम है मेरे किस काम का, इसको धोना पड़ेगा। चलो ऐसे ही लगा ले। तो अभी मैं इसको इसमें डाल दूंगी और ये लॉक कर लिया इसने, ज्यादा भी नहीं ऑब्जर्व, पूरा बिखर बिखर के आएगा मेरे ऊपर। जो मैं गले से ये सब करती रहती हूँ ना, आपको पता ही है मेरे को लास्ट होली के बाद में कोविड हुआ था, तो अभी तक थोड़ा है असर, मतलब उसका नहीं है बट वो जो डैमेज करके जाता है ना वायरस, तो वो है थोड़ा असर, प्लीज माफ करना। ये ना एक्चुअली मुझे कभी कभी ऐसा बच्चों के फेस के हिसाब से आता है क्या। दूध की स्मेल ना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, बट क्या करे, कभी कभी तो लगाना पड़ता है। उसको लगा के मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, जब ये सूखेगा तब मिलते हैं। सूख गया, अब मैं उठ जाती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। बहुत मॉइस्चराइज्ड हो जाती है इससे स्किन, कितना हाइड्रेट हो जाता है चेहरा इससे, शहद और दूध से। और इस पर सोप लगानी, सोप से वॉश नहीं किया मैंने, सोप से वॉश करना है मेरी चाहिए दिन भर, तो आज कम से कम सोप से वॉश नहीं करूँगी। सोप मतलब ये फेस वॉश, सोप से कौन वॉश करता है फेस आजकल, तो कोई नहीं करता। तो इतना सॉफ्ट हो गया, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं आपके फेस को हाइड्रेट करने के लिए और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। हाँ, अगर आप ये घरेलू नुस्खे भी अपनाओगे तो भी अच्छा रहता है, मतलब मुझे, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। अभी मेरी कैपेसिटी से बाहर भी है वो सब, पॉकेट में अलाउ नहीं करती वो सब कराने को। तो अभी मैं तो यही सब करती हूँ और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी है इन सब चीज़ों की। मैं आई फील गुड लाइक दिस ओनली। तो अभी तो ये हो गया कर रही, मुझे देखा तो गुस्सा हो गया, मेरे को क्यों नहीं लगाया, तो उसको भी लगाना पड़ेगा अभी मुझे। देखो क्या कर रही है वो, देखते क्या कर रही है। मेकअप पढ़ रही है अपनी स्टोरी बुक, हमारे इस साइड से ना लाइट आती है तो इधर ना ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा दिखता ही नहीं है। मेकअप पढ़ रही है अपनी स्टोरी बुक, शॉर्ट स्टोरीज रहती है ना इसमें, है ना। गॉड्स पनिशमेंट, गॉड्स पनिशमेंट। अभी मैं आऊं, तो सारी पढ़ ली इसने, बस एक आधी बची होंगी इस बुक में से। तो आज मैंने सारी कटाई छटाई भी कर दी, देखो कल कितना घेर घुमेर लग रहा था ना, आज नहीं करी, कल ही कर दी थी। अभी मेरी हाउस हेल्प नहीं आई है, अभी मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ, जरा दिल थाम के बैठना। ओ माय गॉड, लुक एट माय बर्तन, कितने सारे बर्तन हैं। अभी वो आएगी बेचारी, सब साफ करेगी और एकदम चकाचक हो जाएगा फिर मेरा घर। ताकि बिना तो ना मेरी लाइफ अधूरी है, उसके बिना तो मेरा चल ही नहीं सकता काम। पागल हो जाऊँ मैं, एक्चुअली हो जाती हूँ मैं पागल, अगर एक दिन भी वो नहीं आती ना तो। अभी आएगी वो और सारा काम कर देती है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, सारा काम करेगी। बस मैंने खाना ही बनाया है और मलाई बनाई है सुबह से, और फिर मैं अपने में लगी रहती हूँ, मतलब वॉकिंग करना और ये सब। कभी मिलाऊंगी योगिता से भी, पर क्या होता है ना मोस्टली मैं इस तरह का घर जो गंदा रहता है, गंदगी मतलब दिखाने की इच्छा नहीं होती, पर मैंने कहा ठीक है जस्ट बी जेन्यून, जैसा है वैसा है, सिर्फ ये एक रूम क्लीन है जिसमें मैं बैठी रहती हूँ। मैं रहती हूँ और बाकी आगे तो हस्बैंड बैठे रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं।
और मेहका भी अपना कुछ 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 पेंटिंग करती रहती है, वो फ़ोन में देख के पेंटिंग करती है, फ़ोन उसको लगता है पेंटिंग्स वगैरह करने के लिए, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। आज क्या बनाया, क्या हुआ? पेंटिंग कर रही हूँ। पेंटिंग करेगी मेहका, तो मेहका मेरा दूसरा मोबाइल ले लेती है और उसमें से देख देख के जो उसको पसंद आता है पेंटिंग करती रहती है। इसके चैनल पर आप देखना, मेहका एंड मम्मा चैनल है हमारा, तो मेरा रहना उधर भी ज़रूरी क्योंकि मेहका छोटी है। तो और आज तो क्या बचा है, बस अभी योगिता आएगी अपना काम निपटाएगी तब जाके मैं रिलैक्स होंगी, वो आएगी तब मैं सोऊंगी थोड़ी देर। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आ जा, आओ बोलो सबको, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओके।